हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम रोड आंसर। सो आज है तारीख 30 अक्टूबर 2022 और आज हुआ था नायब तहसीलदार का प्री एग्ज़ाम। तो आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉज करके इसको देख सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग थी इसमें 1/4, अगर कभी अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 आपके डिडक्ट हो जाते हैं मार्क्स। सो क्विकली मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये सीरीज जो थी, सीरीज सी थी, तो उसके हिसाब से इसको करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग रेमन मैगेसेसे अवार्डीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें से सबसे पहले और सबसे लास्ट में किसको मिला? तो इसमें से आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में रवीश कुमार जी को मिला था 2019 में, राइट? तो यानी कि सबसे लास्ट में उनको आना था। तो इस हिसाब से पहला और सॉरी डी और सी इनकरेक्ट हो गए। तो राइट आंसर इनमें से ए और बी में से होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही दे देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3124। तो अगर इनका मैं ईयर भी बताऊँ तो 96 में TN को मिला था, अरविंद केजरीवाल जी को 2006 में मिला था सिक्स, एंड चिंतामन देशमुख को 1959 में मिला था 59। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ देयर पासिंग। तो इसमें से कौन कौन सा कब कब हुआ था? तो अगर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट की बात करें तो 74 में ये हुआ था, NGT एक्ट 2010 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में हुआ था, एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द पासिंग ऑफ डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सपा के रिगार्डिंग। तो इसमें सबसे पुराना जो है वो असम वाला है। अगर हम इसको भी करते थे तो बाकी सब एलिमिनेट हो जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाना था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें से हमें इवेंट बताने हैं जो इंडिया आसियान से रिलेटेड है क्रोनोलॉजिकली। तो इसमें अगर हम बात करें, मेंबरशिप कब मिली थी आसियान की, आसियान रीजनल फोरम की इंडिया को, तो 96 में ये हुआ था। फिर इंडिया एशियन जो फ्रेंडशिप ईयर है वो ये जो चल रहा है ये वही है फ्रेंडशिप ईयर, यानी 2022। तो अगर हम इसको भी लगाए तो लास्ट में इसमें आई थिंक 2 आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन सी में है, तो इस यहीं से ही आप इसको क्रैक कर सकते थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जा रहे थे, अगर आपको इनमें से कोई एक आधा भी पता हो। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें भी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, जैसे कि इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील कब हुई थी 2005 में, किकलाइटर प्रपोजल 1991 में हुआ था, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 में हुआ था, और हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप 2002 में फॉर्म हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। इसको भी क्रोनोलॉजिकली अगर हम चलें तो वियना कन्वेंशन, वियना डिक्लेरेशन 1993 में हुआ था, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICJ जो है वो 98 में हुआ था। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो आपको पता ही ह्यूमन राइट 10 दिसंबर को जो हम मनाते हैं 1948 में हुआ था। अगला वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल, ये 74 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं. अरेंज द एफर्ट्स टुवर्ड नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो सबसे पहले इसमें जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन 3 मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि 63 में हुआ था. उसके बाद हुआ था 68 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. फिर 95 में हुई थी इनडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी. फिर 96 में हुआ था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा. द फॉलोइंग आर द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू 1/ द फोकल लेंथ. तो जितनी भी ज़्यादा होगी फोकल लेंथ, उस हिसाब से पावर कम होगी. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. तो अगले क्वेश्चन है राइट आंसर ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मीडियन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन स्पीड ऑफ साउंड इन देम. तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी इनमें से, तो एल्युमिनियम में होगी. तो यहीं से आई थिंक ये निकल जाता, इसका राइट आंसर डी, क्योंकि सबसे सॉरी राइट आंसर ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा जो होगी वो एल्युमिनियम में होगी. तो इसलिए ये होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, देन लिक्विड्स में, देन गैसेस में. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना 2014 में हुआ था, राइट, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन जो 2005 में आया था. ओके, एंड नरेगा जो है 2006 से हुआ था. तो इसका राइट जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजी वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो ये काफ़ी सिंपल था. अगर आपने थोड़े से भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, नॉन कोऑपरेशन मोमेंट 1920 में, और खिलाफत आंदोलन 1918, सॉल्ट सत्याग्रह 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. तो राइट आंसर ऑप्शन ए. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल अगेन. मालनोविस जो मॉडल कहा जाता है, वो सेकेंड फाइव ईयर प्लान को कहा जाता है, जो कि 56 से लेकर 61 के बीच हुआ था. इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान जो कि 6 में आया था, जो कि 5वें को स्क्रैप करके बना था, 78 से लेके 83 तक चला था. 5वां जो प्लान था वो 77-78 के बीच में ही आया था, तो उसको स्क्रैप करके एक रोलिंग प्लान आया था. देन और रोलिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है. इस उस टाइम जो थे मोरारजी देसाई बीजेपी के जो थे वो पीएम थे उस टाइम. और डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे जो है वो 66 से लेके 69 तक चला था. उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान वॉर्स को रिगार्डिंग था. और तीसरा जो फाइव ईयर प्लान था उसके फेलियर के बाद ही आया था प्लान हॉलीडे. और इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी थी वो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में आई थी 51 से लेके 56 में. तो क्रोनोलॉजिकली अगर हम इसमें चले तो चौथा जो है पहले आना चाहिए. तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल अगेन. तो इसमें हम अगर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आता है वो 1969 में, देन यूरो का इंट्रोडक्शन हुआ था 99 में. सबसे पुराना गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म वो 1871 में हुआ था. अगर हम इसको भी क्रैक कर लेते तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते. फिर इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी सेक्टोरल ट्रेडिंग. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए.